वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की और हौसला भी बढ़ाया कि आप लोग घर में ही रहें और आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ में आज कैबिनेट सचिव ने यह क्लियर कर दिया कि 21 दिन का मतलब 21 दिन ही है, 21 दिन ही लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने आगे का कोई प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि इस तरीके की अफवाहें सामने आ रही थी कि क्या 21 दिन से आगे इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार ने ऐसी खबरों को अफवाह करार दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कई अहम बातें कही थी। लोगों को जागरूक करते हुए ये मैसेज दिया गया था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो घरों में रहें, जागरूक रहें। लेकिन इस बीच कुछ रिपोर्ट आई जिनमें दावा किया गया कि सरकार कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की अवधि को 14 अप्रैल के बाद बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार ने अब इस पर बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कहना है कि 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने इसे लेकर आ रही रिपोर्ट्स पर हैरानी जताई है। इसी के साथ सरकार ने बताया कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार बंद को आगे बढ़ा सकती है। सरकार ने कहा कि मीडिया में आ रही खबरें और कुछ अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि सरकार 21 दिन के बंद की अवधि खत्म होने के बाद इसे और बढ़ा सकती है। कैबिनेट सचिव ने इन खबरों से इनकार किया और कहा कि ये निराधार है। इससे पहले सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के भारी पलायन को देखते हुए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने को कहा है। सरकार ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन को लागू करने और लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं होने देने के लिए कई नियम लागू किए हैं। जाहिर है लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ रही है, यहाँ पर लोगों को जागरूक और सतर्क रहना होगा। ऐसे में सबकी जवाबदेही बनती है कि वो अफवाहों में ना पड़े और केंद्र सरकार की और जो ऑफिशियल एजेंसी हैं उनकी ओर से आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।